Now we discuss different applications of thermal expansion of solid. तो यहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड के डिफरेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. ओके, एप्लीकेशन नंबर वन इज बाई मेटेलिक स्ट्रिप. बाई का मतलब टू. तो दो डिफरेंट मेटल का एक स्ट्रिप फॉर्म करेंगे. स्ट्रिप इज मेड ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स. अगर दो डिफरेंट मेटल होंगे तो दोनों के अल्फा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी डिफरेंट होगा. एंड अगर अल्फा डिफरेंट होगा तो दोनों का एक्सपेंशन भी डिफरेंट होगा अगर इस स्ट्रिप को हीट किया तो रिजल्ट क्या होगा. बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है बिकॉज ऑफ अनइक्वल एक्सपेंशन बेंड करेगा. ठीक है, सच अ बायोमेटेलिक स्ट्रिप इज यूज इन डिफरेंट एप्लीकेशन. वन सच एप्लीकेशन इज थर्मोस्टैट. तो थर्मोस्टैट में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए या उसको ब्रेक करने के लिए का मतलब सर्किट को स्विच ऑन करने के लिए या स्विच ऑफ करने के लिए बायोमेटेलिक स्ट्रिप इज यूज्ड. तो वर्किंग ऑफ बायोमेटेलिक स्ट्रिप इज बेस्ड ऑन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स. देखो एग्जांपल के लिए यहां पे एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप है जिसमें दो डिफरेंट मेटल्स को यूज किया है. एक मेटल आयरन है और दूसरा मेटल कॉपर है. तो दिस इज बायोमेटेलिक स्ट्रिप. दो मेटल स्ट्रिप को ज्वाइन किया है. ओके, एक है आयरन स्ट्रिप, दूसरा है कॉपर स्ट्रिप. और ये होगा स्ट्रिप का पोजीशन एट रूम टेम्परेचर का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर. फिर इस स्ट्रिप को हम लोग हीट करेंगे. तो जैसे हम लोग स्ट्रिप को हीट करेंगे दोनों मेटल का एक्सपेंशन होगा, बट आयरन का और कॉपर का एक्सपेंशन इक्वल नहीं होगा बिकॉज दोनों का एक्सपेंसिविटी डिफरेंट है. दोनों का अल्फा डिफरेंट है. तो जिसका अल्फा ज्यादा होगा, अल्फा का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा. जैसे आयरन एंड कॉपर में कॉपर का अल्फा इज ग्रेटर देन आयरन का अल्फा. इसका मतलब इन दोनों में से कॉपर का एक्सपेंशन ज्यादा होगा आयरन के मुकाबले, तो कॉपर विल एक्सपेंड मोर. एज अ रिजल्ट दिस स्ट्रिप विल बेंड. तो हीट करने के बाद ये जो स्ट्रिप होगा ये ऐसे कॉन्वेक्स शेप का हो जाएगा, है ना. दिस स्ट्रिप बिकम्स कॉन्वेक्स. ये बेंड हो गया. ये जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है ये हीट करने से ऐसे बेंड हो गया एट हाई टेम्परेचर. और ये बेंड क्यों हुआ, बिकॉज कॉपर का एक्सपेंशन ज्यादा हुआ आयरन से. तो जिस मेटल का अल्फा ज्यादा होगा दैट विल बी ऑन द आउटर साइड. मतलब जब ये स्ट्रिप एक्सपेंड करेगा तो कॉन्वेक्स साइड पे ये होगा. कॉन्वेक्स साइड ना यहां से देखा तो, और यहां से ऑब्जर्व किया तो ये कॉनकेव होगा. तो मेटल हैविंग लार्जर अल्फा विल बी ऑन द कॉन्वेक्स साइड एंड मेटल हैविंग स्मॉलर अल्फा विल बी ऑन द कॉनकेव साइड. तो सिंस अल्फा ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ आयरन, कॉपर विल बी ऑन द आउटर साइड. तो दिस इज बेंडिंग ऑफ बायोमेटेलिक स्ट्रिप ड्यू टू हाई टेम्परेचर. और ये बेंड क्यों हुआ, बिकॉज डिफरेंट मेटल्स के अल्फा डिफरेंट है और जिस मेटल का अल्फा ज्यादा होगा वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा. ओके, सो देखो दिस इज डेफिनेशन ऑफ बायोमेटेलिक स्ट्रिप. तो टू स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों स्ट्रिप का लेंथ इक्वल है बट ऑफ डिफरेंट मटीरियल ऑफ डिफरेंट मेटल्स वेन ज्वाइन टूगेदर इज कॉल्ड बायोमेटेलिक स्ट्रिप. और इस स्ट्रिप का प्रॉपर्टी क्या होगा, इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑन हीटिंग ड्यू टू अनइक्वल लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटल्स. ठीक है, यहां पे जो हमने एग्जांपल लिया है इसमें कॉपर का अल्फा इज ग्रेटर देन आयरन का अल्फा. इसके लिए इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कॉपर विल बी ग्रेटर एंड देयरफॉर कॉपर विल बी ऑन द कॉन्वेक्स साइड. तो कॉपर कॉन्वेक्स साइड पे होगा और आयरन कॉनकेव साइड पे होगा. तो वर्किंग ऑफ बायोमेटेलिक स्ट्रिप is an example of thermal expansion of solid. Okay, now we discuss second application of thermal expansion. Ye thermal expansion ka dusra application hai. Effect of temperature on the time period of a clock pendulum. Ka matlab clock jo work karta hai oscillation of simple pendulum pe. A clock which works on the oscillation of
simple pendulum. So such a clock can be called as clock pendulum. तो temperature increase होने से या temperature decrease होने से clock के time period पे उसका effect तो होगा ही. तो effect क्या होगा और उसको कैसे calculate करेंगे numericals में, यह हमको सोचना है. तो ये मैंने एक pendulum draw किया है जो clock में use होता है. सिर्फ pendulum draw किया, पूरा clock नहीं draw किया. तो this is just a pendulum which is inside the clock. तो ये एक मेटल रॉड होगा, दिस इज मेटल रॉड, और इस रॉड के एकदम लोअर एंड पे एक छोटा सा मेटल का स्पीयर होगा विच इज कॉल्ड बॉब. तो बॉब का मतलब टाइनी मेटल स्पीयर. तो पेंडुलम जो क्लॉक में यूज होता है उसमें एक रॉड होगा और एक मेटल का बॉब होगा, और फिर ये इसको तो हमने सपोर्ट पे फिक्स किया है, एंड देन दिस विल बी बॉब विल बी अलाउड टू ऑसिलेट. तो ये जो बॉब होगा ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, है ना, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा. एंड टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, जिसका सिंबल होगा कैपिटल टी. तो व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इट इज अ टाइम टेकन बाय दिस बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. नाउ हाउ टू कम वन ऑसिलेशन, जैसे ये बॉब ऑसिलेट कर रहा था, है ना, ऐसे तो लेफ्ट जाएगा, फिर होगा सेंटर, फिर राइट पे आएगा, वापस सेंटर, फिर लेफ्ट पे आएगा. तो अगर हम लोग लेफ्ट से ऑसिलेशन काउंट कर रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट गया, राइट से वापस लेफ्ट आया, दिस इज वन ऑसिलेशन का मतलब जहां से स्टार्ट होगा तो एक ऑसिलेशन के बाद वापस उसी पोजिशन पे आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, का मतलब विच इज अ टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन. ठीक है, नाउ थ्योरी क्या, देखो सपोज पेंडुलम क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम, का मतलब घड़ी बराबर चल रहा था, क्लॉक इज कीपिंग करेक्ट टाइम, ना इसका मतलब द क्लॉक इज नाइदर मूविंग फास्ट नॉर मूविंग स्लो, एक नॉर्मल रेट से क्लॉक प्रोसीड कर रहा था और एक करेक्ट टाइम मेजर कर रहा था एट अ टेम्परेचर थीटा वन. तो ये पेंडुलम क्लॉक करेक्ट टाइम मेजर कर रहा है एट टेम्परेचर थीटा वन. नाउ टेम्परेचर चेंजेस, ना वेन एस ए टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर में इंक्रीज और टेम्परेचर में डिक्रीज, बट थियरी दोनों के लिए सेम होगा. ठीक है, यहां हमने एग्जाम्पल है टेम्परेचर इज इंक्रीज बट टेम्परेचर में डिक्रीज ऑल्सो. तो एज ए टेम्परेचर इज इंक्रीज टू थीटा टू, थीटा वन इज ओरिजिनल टेम्परेचर जहां पे क्लॉक करेक्ट टाइम मेजर कर रहा था, नाउ द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू थीटा टू. तो व्हाट इज अ राइज इन टेम्परेचर, थीटा टू माइनस थीटा वन, ये होगा राइज इन टेम्परेचर, इसको कॉल करेंगे डेल्टा थीटा. तो डेल्टा थीटा होगा राइज इन टेम्परेचर. तो बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर देर विल बी अ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ दिस रॉड. तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये जो रॉड है जो मेटल का बना हुआ है ये एक्सपैंड करेगा. नाउ अगर रॉड का एक्सपेंशन होगा तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम विल इंक्रीज, है ना, दिस इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये होगा पेंडुलम का लेंथ, लेट द लेंथ बी एल. तो बिकॉज ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लेंथ ऑफ द पेंडुलम विल इंक्रीज बिकॉज ये जो रॉड है ये एक्सपैंड करेगा. इफ लेंथ इंक्रीजेस टाइम पीरियड विल ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ इन द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड का मतलब टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन. तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टी इक्वल्स टू टू पाई रूट ऑफ एल बाई जी, वेयर एल इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बट अगर ये जी कॉन्स्टेंट है तो वी कैन से टी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ. तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम. तो इफ लेंथ इंक्रीजेस टाइम पीरियड विल इंक्रीज, इफ लेंथ डिक्रीजेस टाइम पीरियड विल डिक्रीज. रूट एल का मतलब एल रेस टू हाफ. देन आई टेक द फॉर्मूला ऑफ फ्रैक्शनल एरर. तो फ्रैक्शनल एरर इन टाइम पीरियड विल बी डेल्टा टी बाई टी. फ्रैक्शनल एरर इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव एरर. तो रिलेटिव एरर इन द टाइम पीरियड इज डेल्टा टी बाई टी एंड एल रेस टू हाफ का क्या होगा, हाफ टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल, है ना, पावर मल्टीप्लाई होता है एरर में, ये हमने स्टडी किया. तो फ्रैक्शन
fractional error in time period is delta t by t, and fractional error in length will be half of delta l by l. ओके, इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे डेल्टा एल बाय एल का वैल्यू. डेल्टा एल बाय एल का मतलब ये हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. दिस कम्स इन द फॉर्मूला ऑफ अल्फा. अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. तो बाय डेफिनेशन अल्फा का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा थीटा. तो हमको चाहिए डेल्टा एल बाय एल. तो डेल्टा एल बाय एल का फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा इंटू डेल्टा थीटा. यहां पर डेल्टा थीटा इज राइज और चेंज इन टेम्परेचर. तो मैंने डेल्टा एल बाय एल को क्या लिखा? अल्फा डेल्टा थीटा लिखा. तो ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड. तो इफ आई वांट टू फाइंड ओनली चेंज इन टाइम पीरियड, तो फ्रैक्शनल चेंज हो गया. तो अगर सिर्फ मुझे चेंज इन टाइम पीरियड ही फाइंड करना है, तो डेल्टा टी फाइंड करने के लिए इस टी को यहां पर ट्रांसफर कर दो. तो डेल्टा टी बिकम्स हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी. इस टी को मैंने यहां पर ट्रांसफर कर दिया. तो ये बन गया फॉर्मूला फॉर चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर. डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर. ये तो हो गया चेंज इन टाइम पीरियड. अगर मुझे फाइंड करना है चेंज इन टाइम, टाइम पीरियड का मतलब टाइम फॉर वन ऑसिलेशन. बट अगर मुझे वन डे का चेंज इन टाइम फाइंड करना है बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इफ आई वॉन्ट टू फाइंड वॉट इज अ चेंज इन टाइम इन वन डे, तो मैं अप्लाई करूंगा चेंज इन टाइम का फॉर्मूला. तो यहां मैंने लिखा डेल्टा टी, यहां पे कैपिटल टी इज टाइम पीरियड, यहां पे टी होगा एनी टाइम. तो फॉर्मूला सेम ही होगा. तो डेल्टा टी इक्वल्स टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू टी, वेयर टी इज अ टाइम विच इज गिवन टू अस. जैसे वन डे होगा तो टी बिकम्स वन डी, एंड वन डे इज हाउ मेनी सेकेंड्स? वन डे इज 24 आवर. वन आवर इज 3600 सेकेंड्स. तो वन डे विल बी 24 इंटू 3600 सेकंड. दैट कम्स आउट टू बी 86400 सेकंड. 86400 सेकंड. ठीक है. तो जैसे यहां पे देखो टाइम लॉस्ट बाय द क्लॉक इन वन डे, एक दिन में वो घड़ी जो है कितना टाइम लूज करेगा बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन टाइम. तो डेल्टा टी का फॉर्मूला होगा हाफ अल्फा डेल्टा टी, और वन डे का जो टाइम होगा वो होगा 86400 सेकंड. ये हो गया टी का वैल्यू इन वन डे. तो इफ आई एम गिवन अल्फा का वैल्यू, इफ आई एम गिवन डेल्टा थीटा का वैल्यू, आई कैन फाइंड आउट टाइम लॉस्ट इन वन डे. तो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड. और ये जो एप्लीकेशन है, दिस एप्लीकेशन इज अप्लाइड टू अ क्लॉक पेंडुलम. तो क्वेश्चन में हमको पूछेंगे टाइम लॉस्ट या टाइम गेन इन वन डे, तो हमको ये फॉर्मूला से अप्लाई सॉल्व करना है. डेल्टा टी इक्वल्स टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा 86400 सेकंड. 86400 सेकंड आर द वैल्यूज ऑफ सेकंड्स इन वन डे. तो अल्फा विल बी गिवन टू यू, चेंज इन टेम्परेचर विल बी गिवन टू यू, यू हैव टू कैलकुलेट चेंज इन टाइम या टाइम लॉस्ट. देखो टाइम लॉस्ट कब होता है और टाइम गेन कब होता है. तो सबसे पहले अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जैसे मैंने डिस्कस किया, दिस डिस्कशन वॉज अबाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, टाइम पीरियड विल इंक्रीज. बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लेंथ इंक्रीज होगा, तो टी विल ऑल्सो इंक्रीज. अगर टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो क्लॉक विल रिक्वायर मोर टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. बिकॉज का टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है तो इट विल टेक मोर टाइम फॉर वन ऑसिलेशन. एंड इफ क्लॉक टेक्स मोर टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, इट इंप्लाइज क्लॉक रन स्लो. तो वेन टाइम पीरियड इंक्रीजेस, क्लॉक विल रिक्वायर मोर टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ वन ऑसिलेशन. इसका मतलब क्लॉक इज रनिंग स्लो. एंड इफ क्लॉक रन स्लो, इट विल लूज अ टाइम. का मतलब देर इज अ लॉस इन टाइम. लॉस इन टाइम का मतलब अगर क्लॉक स्लो रन कर रहा है तो ये नॉर्मल क्लॉक से पीछे रहेगा. अगर क्लॉक टाइम को लूज कर रहा है तो ये नॉर्मल क्लॉक से पीछे रहेगा. एंड अगर नॉर्मल क्लॉक से पीछे रहेगा तो टाइम को लूज करेगा. उसके अपोजिट सेकंड पॉइंट होगा कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस लेंथ विल डिक्रीज, एंड इफ लेंथ डिक्रीजेस टाइम पीरियड विल डिक्रीज. तो व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस टाइम पीरियड डिक्रीजेस, टाइम पीरियड डिक्रीजेस का मतलब क्या हो गया? नाउ पेंडुलम क्लॉक रिक्वायर्स लेस टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. अभी उसका एक ऑसिलेशन कम टाइम में हो रहा है,
एंड अगर ऑसिलेशन कम टाइम में होगा तो क्लॉक फास्ट रन करेगा, अगर टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो क्लॉक स्लो रन करेगा, अगर टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा तो ऑसिलेशन फास्ट होंगे तो क्लॉक विल रन फास्ट, एंड इफ क्लॉक रन फास्ट मेजरमेंट ऑफ जो टाइम होगा उस क्लॉक का जो टाइम मेजरमेंट होगा वो भी फास्ट जाएगा, तो दैट क्लॉक विल बी अहेड ऑफ द नॉर्मल क्लॉक। ऐसा जो क्लॉक होगा ये नॉर्मल क्लॉक से फास्ट रन करेगा, तो मतलब टाइम ज्यादा मेजर करेगा, फास्ट मेजर करेगा, तो इन दैट केस देयर इज अ गेन इन टाइम। गेन इन टाइम का मतलब नॉर्मल क्लॉक से आगे होगा, लॉस इन टाइम का मतलब नॉर्मल क्लॉक से पीछे होगा। एंड दोनों केस में जैसे अगर आपको लॉस इन टाइम फाइंड करना है या गेन इन टाइम फाइंड करना है, फॉर्मूला यही लगेगा। इफ यू वांट टू फाइंड लॉस इन टाइम या गेन इन टाइम, यू हैव टू अप्लाई सेम फॉर्मूला एंड दिस विल गिव यू टाइम लॉस्ट या टाइम गेन इन वन डे। तो दिस इज एप्लीकेशन नंबर टू ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। दिस इज एप्लीकेशन नंबर थ्री ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और इसमें हमको कैलकुलेट करना है थर्मल स्ट्रेस। कैलकुलेशन ऑफ थर्मल स्ट्रेस इन अ रिजिडली फिक्स्ड रॉड या वायर। बच्चों अपने स्ट्रेस और स्ट्रेन को स्टडी किया था इन द चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, उसमें अपने स्ट्रेस और स्ट्रेन को स्टडी किया था। स्ट्रेस इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया एंड टेंसाइल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बट यहां पे जो स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होंगे इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इट इज ड्यू टू एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रॉड। तो अगर कोई रॉड या वायर एक्सपैंड हो रहा है बिकॉज ऑफ हीट, या वायर का रॉड का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ कूलिंग ऑफ द रॉड या डिक्रीज इन टेम्परेचर, रॉड कूल कर रहा है, तो तभी जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस, द थर्मल स्ट्रेन। तो थर्मल स्ट्रेस या थर्मल स्ट्रेन आर द वैल्यूज प्रोड्यूस्ड इन द रॉड बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो कंडीशन ऐसे है, एक मेटल रॉड है, दिस इज मेटल रॉड, यू कैन टेक रॉड या यू कैन टेक मेटल वायर। Let capital L be the initial length of this wire. अगर ये rod free होता, ना यहां पर क्या किया, rod को rigid support पे fix किया, these are the two rigid support on which the rod is fixed. But अगर ये rod किसी rigid support पे fix नहीं होता, अगर ये rod free होता तो उसमें stress और strain develop नहीं होते because rod is free to expand. तो यहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं होता। बट अगर मैंने क्या किया, रॉड को दोनों एंड पे फिक्स किया है, तो मतलब रॉड को हम लोगों ने एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट होने से रोका है बिकॉज ऑफ द रिजिड सपोर्ट, तो तभी जो स्ट्रेस डेवलप होगा या स्ट्रेन डेवलप होगा उसको बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस, बिकॉज रॉड इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो ये तो इनिशियल कंडीशन हो गया। Now suppose हमने इस रॉड का टेम्परेचर डेल्टा थीटा अमाउंट से चेंज किया, का मतलब आइदर रॉड इज हीटेड और दिस रॉड इज कूल डाउन, का मतलब या तो इस रॉड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हीटिंग से, या तो फिर इस रॉड का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे उसको कूल करके। Now अगर रॉड को हीट करेंगे तो रॉड विल ट्राई टू एक्सपेंड, अगर रॉड को हीट करेंगे तो रॉड विल ट्राई टू एक्सपैंड, बट रॉड को एक्सपेंशन के लिए आपने जगह छोड़ा ही नहीं है बिकॉज दोनों जगह से रॉड को तो फिक्स किया है, बट ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर दिस रॉड इज ट्राइंग टू एक्सपैंड, बट रॉड इज नॉट अलाउड टू एक्सपैंड बाय द रिजिड सपोर्ट। तो ये रॉड क्या करेगा, इस रिजिड सपोर्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा, तो दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन द रिजिड सपोर्ट, बट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर रॉड रिजिड सपोर्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा तो रिजिड सपोर्ट भी रॉड के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये होंगे एक्शन रिएक्शन फोर्सेज विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सेम थिंग विल हैपन ऑन द अदर एंड ऑल्सो,
कि ड्यू टू हिट रॉड इज ट्राइंग टू एक्सपैंड, तो ये रॉड क्या करेगा, इस रिजिड सपोर्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा, तो फिर रिजिड सपोर्ट भी इस रॉड के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। एंड दिस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड बिकम स्ट्रेस। ये जो रॉड के ऊपर फोर्स एड करेगा अपॉन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बिकॉज दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो फोर्स एक्टिंग अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम थर्मल स्ट्रेस। अभी सेकंड केस में हमने क्या किया है, टेम्परेचर को डिक्रीज किया है, मतलब रॉड इज कूल्ड। इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज रॉड विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, तो सेकंड केस में रॉड का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसका लेंथ डिक्रीज हो रहा है, बट रॉड को तो हमने रिजिड सपोर्ट पे फिक्स किया है, तो दिस रिजिड सपोर्ट विल नॉट अलाउ दिस रॉड टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये जो रिजिड सपोर्ट है ये रॉड को एक्सपैंड करने भी नहीं दे रहा है, एंड दिस रिजिड सपोर्ट इज नॉट अलाउइंग द रॉड टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ये रॉड कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है बट रिजिड सपोर्ट इज नॉट अलाउइंग इट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे क्या होगा, दिस रॉड विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द रिजिड सपोर्ट। तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ये जो रॉड है इस सपोर्ट पे ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा, पुलिंग फोर्स, है ना, ये हो गया पुलिंग फोर्स, ये हो गया पुशिंग फोर्स। तो ड्यूरिंग हीटिंग रॉड वॉज पुशिंग द रिजिड सपोर्ट, ड्यूरिंग कूलिंग रॉड विल पुल द रिजिड सपोर्ट। अगेन इस एक्शन का भी एक रिएक्शन फोर्स होगा, ऑन द अदर साइड ऑल्सो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, एंड दिस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया बिकम्स स्ट्रेस। बट इसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, इसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। दिस इज टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू हीटिंग एंड दिस इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। लेट अस कैलकुलेट देयर फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे, अच्छा सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज बाय डेल्टा थीटा। जैसे पहले डायग्राम में टेम्परेचर इज इंक्रीज ड्यू टू हीटिंग बाय अमाउंट डेल्टा थीटा, सेकंड केस में टेम्परेचर इज डिक्रीज बाय द अमाउंट डेल्टा थीटा ड्यू टू कूलिंग। तो वी विल लाइक टू कैलकुलेट थर्मल स्ट्रेन फर्स्ट। तो थर्मल स्ट्रेन, बट बेसिकली स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहां पे बोलेंगे थर्मल स्ट्रेन को डेल्टा एल अपॉन एल बाय डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ और एल होगा ओरिजिनल लेंथ। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अल्फा, वेयर अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अल्फा, अल्फा इज डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा थीटा। तो फिर डेल्टा एल अपॉन एल का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। तो डेल्टा एल अपॉन एल को लिखा अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर थर्मल स्ट्रेन। तो थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला होगा अल्फा डेल्टा थीटा, बट अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा थीटा होगा चेंज इन टेम्परेचर। तो थर्मल स्ट्रेन क्या होता है, अल्फा डेल्टा थीटा। देन वी कैलकुलेट थर्मल स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इफ यंग्स मॉड्यूलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये आपने स्टडी किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में यंग्स मॉड्यूलस। तो इफ यंग्स मॉड्यूलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा वाई इंटू स्ट्रेन। तो देखो मैंने क्या लिखा, थर्मल स्ट्रेस इज वाई इंटू थर्मल स्ट्रेन, दिस इज एज पर डेफिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। तो वाई क्या है यहां पे, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ दिस रॉड। देखो थर्मल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू वाई इंटू अल्फा डेल्टा थीटा। देखो थर्मल स्ट्रेन कितना था, अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है वाई अल्फा डेल्टा थीटा, वेयर वाई इज यंग्स मॉड्यूलस, अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर। ऑल्सो स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, ये जो स्ट्रेस है इसको लिखा फोर्स अपॉन एरिया के फॉर्म में, बिकॉज स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया एज पर द डेफिनेशन। तो एफ अपॉन ए इज वाई अल्फा डेल्टा थीटा। तो अगर मुझे फोर्स फाइंड करना है तो एरिया को यहां पे मल्टीप्लाई करो, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। तो दिस इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड, या दिस इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड।
बिकॉज दोनों फोर्स इक्वल है। इस फोर्स को हम लोग कभी कभी टेंशन भी बोल सकते हैं, तो यू कैन कॉल दिस एज फोर्स और टेंशन। तो ये बन गया इक्वेशन फॉर फोर्स और टेंशन डेवलप इन द रॉड, ये होगा फोर्स या टेंशन का फॉर्मूला। तो थर्मल स्ट्रेन होता है अल्फा डेल्टा थीटा, थर्मल स्ट्रेस होगा वाई अल्फा डेल्टा थीटा, एंड फोर्स और टेंशन डेवलप इन द रॉड का फॉर्मूला होगा एफ इक्वल्स टू वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, दिस इज थर्ड एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जहां हमने थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन को कैलकुलेट किया। थर्मल एक्सपेंशन में अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, का मतलब चेंज इन डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड विद द टेम्परेचर। तो डेंसिटी का वेरिएशन कैसे होगा विद द चेंज इन टेम्परेचर, ये हमको स्टडी करना है। तो वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड विद चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। एंड टेम्परेचर राइज होने से या टेम्परेचर चेंज होने से किसी सॉलिड का या लिक्विड का मास चेंज नहीं होगा, बिकॉज मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो विद द चेंज इन टेम्परेचर मास विल नॉट चेंज, मास विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ये हमको याद रखना है। तो मास कॉन्स्टेंट होगा तो मास विल नॉट चेंज विद टेम्परेचर, बट वॉल्यूम चेंज होगा, एंड वॉल्यूम चेंज होगा इसके लिए डेंसिटी चेंज होगा, बिकॉज डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। एंड अगर मास कॉन्स्टेंट है तो वी कैन से डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इस आइडिया से हम लोग इसको वर्क करेंगे, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बिकॉज मास इज कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज इन टेम्परेचर। तो वेन अ गिवन मास ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड इज हीटेड, गिवन मास का मतलब यहां पे मास इज केप्ट कॉन्स्टेंट। तो वेन अ गिवन मास ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज हीटेड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, ड्यू टू हीट वॉल्यूम विल इंक्रीज बिकॉज सॉलिड या लिक्विड एक्सपैंड होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। And since volume increases, density will decrease because density होता है mass upon volume, mass constant. तो as volume increases, density will decrease. अभी इसका हम लोग mathematical calculations करेंगे। तो पहले हम लोग define करेंगे V0 and V. तो V0 and V होंगे volumes. Rho 0 and rho होंगे densities of a given mass at temperatures T and T plus delta T. इसका मतलब यहां पे temperature delta T amount से increase हो रहा है। तो temperature T पे volume V naught था, density rho naught था, and temperature T plus delta T पे volume हो गया V और density हो गया rho. तो न्यू वॉल्यूम V का फॉर्मूला होगा इनिशियल वॉल्यूम V0 इनटू ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा T, वेर गामा इज कॉल कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। यहां पे वॉल्यूम की बात हो रही है तो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट गामा होगा। तो V होता है V0 इनटू ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा T, वेर V होगा फाइनल वॉल्यूम एट दिस टेम्परेचर, V0 होगा इनिशियल वॉल्यूम एट दिस टेम्परेचर। देन वॉल्यूम को लिखा मैंने मास अपॉन डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, रो इज अ सिंबल ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी रो इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मास अपॉन डेंसिटी। तो इस वॉल्यूम को लिखा मास अपॉन डेंसिटी, इसको भी लिखा मास अपॉन डेंसिटी, मास कॉन्स्टेंट है बट डेंसिटी का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो रो होगा फाइनल डेंसिटी, रो जीरो होगा इनिशियल डेंसिटी, इंटू ब्रैकेट वन प्लस गामा डेल्टा टी। फिर ये जो मास है ये दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो मास इज कैंसिल फ्रॉम बोथ द साइड एंड देन वी टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड, टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड। तो ये हो जाएगा रो, ये हो जाएगा रो नॉट अपॉन वन प्लस गामा डेल्टा टी, का मतलब इसका पावर जो वन है वो हो जाएगा माइनस वन, रेसिप्रोकल लिया।
फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व दिस ब्रैकेट वी अप्लाई बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन. हम लोग अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम अप्रोक्सीमेशन. तो सिंस वैल्यू ऑफ गामा इज स्मॉल, गामा हमेशा स्मॉल होता है बिकॉज गामा होता है 10^-5 के रेंज में. तो सिंस गामा इज वेरी स्मॉल वी अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम अप्रोक्सीमेशन. तो 1+γδt^-1 ये जो ब्रैकेट है इसका अप्रोक्सीमेशन होगा 1-γδt बिकॉज ये -1 इससे मल्टीप्लाई हो गया. बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में ये जो पावर है ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × +-, है ना, ये -1 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो -1 × +-. इसका मतलब ये जो ब्रैकेट है उसका अप्रोक्सीमेशन होगा 1-γδt. तो फिर इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू रो 0 × (1−γδt). डेंसिटी रो इज इक्वल टू रो 0 × (1−γδt). यहां पे रो क्या है, रो होगा फाइनल वैल्यू ऑफ डेंसिटी, रो 0 होगा इनिशियल वैल्यू ऑफ डेंसिटी, गामा होगा कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन और डेल्टा टी होगा राइज इन टेम्परेचर. एंड सिंस ब्रैकेट में निगेटिव साइन है इसका मतलब एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस डेंसिटी का वैल्यू डिक्रीजेस बिकॉज ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगा तो ये ब्रैकेट डिक्रीज होगा बिकॉज सप्रेशन हो रहा है. तो एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस डेंसिटी का वैल्यू डिक्रीजेस. अगर हमको फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी पूछा है, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी. फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी का फॉर्मूला चेंज इन डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी. तो बस इसी फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करते हैं. राइट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन कर दो, रो नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, तो रो इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन किया तो दिस इज रो नॉट माइनस ऑफ रो नॉट गामा डेल्टा टी. देन आई रीअरेंज द टर्म्स, का मतलब इसको मैंने राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर किया, इस पूरे ब्रैकेट को दूसरी तरफ ट्रांसफर किया, तो रो 0 - रो इक्वल्स टू रो नॉट गामा डेल्टा टी आफ्टर रीअरेंजमेंट एंड देन डिवाइडिंग रो नॉट हियर टू वी राइट रो 0 - रो अपॉन रो 0, ये यहां पे डिवाइड हो गया तो फिर वैल्यू होगा गामा डेल्टा टी एंड दिस वैल्यू रो 0 - रो अपॉन रो 0, ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी हो गया. तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी का फॉर्मूला गामा डेल्टा टी, वेयर गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन और डेल्टा टी होगा राइज और चेंज इन टेम्परेचर. तो जिस न्यूमेरिकल में हमको फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी पूछा है हमको इस फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना है, इट इज गामा डेल्टा टी. देन देयर इज वन मोर फॉर्मूला, इफ रो 1 एंड रो 2 आर द डेंसिटीज ऑफ सॉलिड एट टेम्परेचर T1 एंड T2, रो 1 होगा डेंसिटी एट टेम्परेचर T1 एंड रो 2 होगा डेंसिटी एट टेम्परेचर T2, इन दैट केस गामा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन का फॉर्मूला होगा रो 1 माइनस रो 2 अपॉन रो 2 इंटू T2 माइनस T1. क्या फॉर्मूला होगा गामा का, रो 1 माइनस रो 2 अपॉन रो 2 इंटू T2 माइनस T1. तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा व्हेन द कंडीशंस आर इन दिस फॉर्म. तो दिस इज वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड विथ टेम्परेचर. थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड ये हमने कवर कर दिया है ना, वी हैव फिनिश्ड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड. नाउ वी स्टार्ट द सेक्शन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स. अभी एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड स्टडी करना है. देखो सॉलिड के एक्सपेंशन में और लिक्विड के एक्सपेंशन में एक बेसिक डिफरेंस है एंड दैट डिफरेंस इज हम लोग सॉलिड को डायरेक्टली हीट सप्लाई करते हैं बट लिक्विड कैन नॉट बी हीटेड डायरेक्टली. आपको लिक्विड को किसी कंटेनर के अंदर पहले एनक्लोज करना पड़ेगा और उस वेसल को या उस कंटेनर को हीट करना पड़ेगा. तो लिक्विड्स एंड गैसेस आर हीटेड इनसाइड द कंटेनर या इनसाइड द वेसल.
बट सॉलिड्स आर हीटेड डायरेक्टली, सॉलिड को किसी वेसल के अंदर हीट करने की जरूरत नहीं है. तो व्हेन वी स्टडी एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, तो लिक्विड को हीट करने के लिए लिक्विड हैज टू बी टेकन इन अ कंटेनर या इन अ वेसल. और जब भी आप लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड का तो एक्सपेंशन होगा ही, बट साथ में उस वेसल का भी एक्सपेंशन होगा. सो दैट ऑल्सो टेकन इन टू कंसिडरेशन. ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस टू दैट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड. ओके, तो यहां पे देखो हमने एक डायग्राम स्टडी किया. तो इस डायग्राम के हेल्प से वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड कैसे होता है. बट जब लिक्विड का एक्सपेंशन होगा साथ में उस वेसल का भी एक्सपेंशन होगा इन विच द लिक्विड इज टेकन. तो यहां पे एक ग्लास वेसल है, दिस इज वन ग्लास वेसल विच हैज अ लॉन्ग ट्यूब. एक ग्लास वेसल है जिसमें एक लॉन्ग नैरो ट्यूब है और इसके अंदर में समझो वाटर फिल गया है. तो देयर इज वन ग्लास वेसल कंटेनिंग लॉन्ग नेक या लॉन्ग ट्यूब एंड वी हैव टेकन वाटर इनसाइड दिस कंटेनर एंड वाटर का इनिशियल लेवल पी तक था. वाटर का इनिशियल लेवल कहां तक था? पी तक था बिफोर हीटिंग. तो हीट करने से पहले वाटर का लेवल यहां तक था एट पी. देन वी सप्लाई हीट टू दिस लिक्विड. इस वाटर को हम लोग हीट करेंगे. तो यूजिंग दिस गैस बर्नर लिक्विड एंड द वेसल बोथ आर हीटेड. बट जब भी आप इस लिक्विड को हीट करोगे ये हीट पहले वेसल को मिलेगा, है ना. पहले वेसल हीट होगा उसके बाद उसके अंदर जो लिक्विड है वो हीट होगा. इसका मतलब पहले एक्सपांशन किसका होगा? वेसल का होगा. उसके बाद एक्सपांशन लिक्विड का होगा बिकॉज हीट पहले एब्सॉर्ब वेसल करेगा उसके बाद लिक्विड एब्सॉर्ब करेगा हीट को. तो व्हेन वी सप्लाई हीट टू द लिक्विड फर्स्ट देयर इज अ एक्सपांशन ऑफ वेसल. उस कंटेनर का एक्सपांशन होगा. तो ये हो गया एक्सपांशन ऑफ द वेसल. ये थोड़ा एक्सपांड हो गया. उससे क्या हो गया? पहले लिक्विड का लेवल थोड़ा फॉल करेगा. एज वेसल एक्सपैंड वेसल का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो लिक्विड थोड़ा नीचे फॉल करेगा. तो लेवल ऑफ लिक्विड फॉल्स फ्रॉम पी से क्यू. तो ये जो पी से क्यू एक्सपांशन हुआ है का मतलब ये जो वॉल्यूम होगा पी से क्यू तक इसको बोलेंगे एक्सपांशन ऑफ वेसल. इतना अमाउंट से एक्सपांशन ऑफ वेसल हुआ है इसके लिए इतने अमाउंट से लिक्विड फॉल किया है. तो यहां पे जो वॉल्यूम पी क्यू होगा इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल. तो इसको बोलेंगे एक्सपांशन ऑफ द वेसल. पी क्यू वॉल्यूम इज एक्सपांशन ऑफ वेसल. तो वेसल का एक्सपांशन हुआ का मतलब वेसल का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ इसके लिए लिक्विड का लेवल जो पहले पी पे था अभी क्यू पे आ गया. तो वॉल्यूम पी क्यू रिप्रेजेंट एक्सपांशन ऑफ वेसल. उसके बाद क्या होगा? लिक्विड को भी हीट मिलेगा और फिर लिक्विड भी एक्सपांड होना शुरू करेगा. एंड लिक्विड का एक्सपांशन विल बी फास्टर देन एक्सपांशन ऑफ द सॉलिड वेसल. एंड अगर लिक्विड फास्ट एक्सपांड शुरू करेगा, अगर लिक्विड का एक्सपांशन फास्ट होगा देन द वेसल, तो फिर लेवल जो है वो राइज होना शुरू करेगा एंड इट गोज अप टू आर आफ्टर द हीटिंग प्रोसेस इज स्टॉप्ड. इसका मतलब पहले वेसल का एक्सपांशन हुआ इसके लिए लेवल फॉल्स फ्रॉम पी से क्यू. फिर लिक्विड ने एक्सपांड करना शुरू किया एंड लिक्विड का एक्सपांशन इज फास्टर देन एक्सपांशन ऑफ द वेसल. देयरफॉर लेवल विल स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम क्यू से आर. बट हम लोग जो एक्सपांशन ऑब्जर्व करेंगे वो तो सिर्फ पी से आर तक ऑब्जर्व करेंगे. तो फॉर द ऑब्जर्वर लिक्विड का लेवल पहले पी पे था और हीट करने के बाद लिक्विड का लेवल आर तक राइज हुआ. इसका मतलब ये जो वॉल्यूम पी आर होगा पी से लेके आर तक ये जो वॉल्यूम होगा इसको बोलेंगे एपेरेंट एक्सपांशन ऑफ लिक्विड. एपेरेंट का मतलब ऑब्जर्व एक्सपांशन का मतलब हमने जो ऑब्जर्व किया वो तो लेवल पहले पी पे था और फिर आर पे चला गया. तो फॉर द ऑब्जर्वर एक्सपांशन ऑफ लिक्विड अपीयर्स टू पी का मतलब उसको लगेगा कि लिक्विड जो है वो पी से आर तक चला गया.
का मतलब ये जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन अ पीआर, इसको बोलेंगे एपरेंट या ऑब्जर्व एक्सपांशन ऑफ द लिक्विड। जबकि जो एक्चुअल एक्सपांशन हुआ है या जो रियल एक्सपांशन हुआ है वो दोनों वॉल्यूम मिला के होगा। इसका मतलब रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड इज एक्सपांशन पी क्यू प्लस एक्सपांशन पी आर, का मतलब वॉल्यूम पी क्यू प्लस वॉल्यूम पी आर, एंड पी क्यू प्लस पी आर बिकम्स वॉल्यूम क्यू आर। तो ये जो वॉल्यूम क्यू आर होगा, दिस मच वॉल्यूम का मतलब इसमें जो लिक्विड होगा कहां से कहां तक, क्यू से आर तक, तो वॉल्यूम क्यू आर को बोलेंगे रियल या एक्चुअल एक्सपांशन ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड में हम लोग दो टाइप के एक्सपांशन स्टडी करेंगे। लिक्विड में वी स्टडी टू टाइप्स ऑफ एक्सपांशन, एक होगा एपरेंट एक्सपांशन ऑफ लिक्विड एंड दूसरा होगा रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। एपरेंट एक्सपांशन का मतलब जो एक्सपांशन हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं, और रियल एक्सपांशन का मतलब जो एक्चुअल में एक्सपांशन हो रहा है लिक्विड का। और एक होगा यहां पे सॉलिड का एक्सपांशन, और यहां पे सॉलिड फॉर्म में कौन है, वेसल, वेसल इज इन अ सॉलिड फॉर्म, तो उसका जो एक्सपांशन होगा वो होगा एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। तो ये जो एक्सपांशन हो रहा है ये एक्सपांशन ऑफ वेसल है, दैट इज एक्सपांशन ऑफ सॉलिड है, बट लिक्विड के तो सिर्फ दो एक्सपांशन हुए। तो वी कंसिडर टू टाइप्स ऑफ एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, एपरेंट एक्सपांशन ऑफ लिक्विड एंड रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। डायग्राम में वॉल्यूम पी क्यू, वॉल्यूम पी क्यू क्या है, एक्सपांशन ऑफ वेसल। वॉल्यूम पी आर क्या है, वॉल्यूम पी आर क्या है, इट इज एक्सपांशन, इट इज एपरेंट एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, एंड वॉल्यूम क्यू आर इज द रियल एक्सपांशन ऑफ द लिक्विड। ओके, नाउ वी डिफाइन द कोएफिशिएंट्स। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि लिक्विड का जो एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ है, द एक्चुअल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एपरेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे, प्लस इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल या कंटेनर। तो लिक्विड का जो एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है ये दो टर्म का एडिशन होगा, एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम प्लस इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। And as I discussed earlier, liquids have two coefficient of expansions, because liquid में दो टाइप के expansion होते हैं। First coefficient is coefficient of apparent expansion, यहां पे volume expansion के बाद हो रहा है, liquid में तो length and surface area तो होगा नहीं, liquid and gases do not have length and surface area, तो linear expansion and superficial expansion is not possible in the case of liquid and gases। तो यहां पे सिर्फ वॉल्यूम एक्सपांशन ही हम लोग कंसिडर करेंगे, ऑब्वियस बात है। तो पहला एक्सपांशन होगा कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपांशन, बट ये होगा वॉल्यूम एक्सपांशन, का मतलब ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट वॉल्यूम एक्सपांशन, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट वॉल्यूम एक्सपांशन, दैट इज गामा ए, वेयर गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन, और यहां पे ए स्टैंड्स फॉर एपरेंट। तो गामा ए होगा एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी ए का मतलब दिस इज एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम एंड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। एंड दूसरा होगा कोएफिशिएंट ऑफ रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसका सिंबल होगा गामा आर, वेयर गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन एंड आर का मतलब रियल। तो गामा आर दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन कैन बी डिफाइंड एज रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम, डेल्टा बी आर का मतलब रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। साथ में डिफाइन करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेसल, लिक्विड के तो सिर्फ ये दो एक्सपेंशन होंगे, लिक्विड के ये दो एक्सपेंशन होंगे, ये होगा एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ वेसल एंड वेसल इज इन द सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड स्टेट में है, तो ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ वेसल। इसका फॉर्मूला क्या होगा, गामा वेसल दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन ऑफ वेसल इज डेल्टा वी वेसल का मतलब दिस इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। अच्छा, यहां पे वॉल्यूम ऑफ वेसल एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो सेम ही होगा इनिशियली, तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वेसल एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज सेम बिकॉज लिक्विड इज टेकन इनसाइड द वेसल, तो जो वॉल्यूम वेसल का होगा वही वॉल्यूम लिक्विड का भी होगा, तो इनिशियल वॉल्यूम इज सेम फॉर ऑल।
राइज इन टेम्परेचर भी सेम फॉर ऑल? तो ऐसे होंगे तीन कोएफिशिएंट, गामा ए, गामा आर एंड गामा वेसल। एंड सॉलिड के लिए हमको पता है कि गामा होता है 3 times ऑफ अल्फा, सॉलिड में हमको पता है कि गामा होता है 3 times ऑफ अल्फा, तो वी कैन से गामा वेसल इज 3 times ऑफ अल्फा, वेयर अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द वेसल। ये सिर्फ वेसल के लिए होगा, लिक्विड के लिए तो अल्फा होगा ही। नाउ लेट अस ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन गामा अपरेंट, गामा रियल एंड गामा वेसल। अगर हम लोग इन तीनों का रिलेशन फाइंड करते हैं, obtain the relation between gamma A, gamma R and gamma V. Gamma A is coefficient of apparent chemical expansion, gamma R is coefficient of real chemical expansion and gamma V is the coefficient of expansion of vessel. Okay? तो इन तीनों के relations find करना। Okay? अभी हमने diagram में study किया था कि वॉल्यूम क्यू आर जो होगा इट इज अ सम ऑफ वॉल्यूम पी आर प्लस पी क्यू। तो मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम क्यू आर, वॉल्यूम क्यू आर इज इक्वल टू वॉल्यूम पी आर प्लस वॉल्यूम पी क्यू। बट वॉल्यूम क्यू आर क्या है, इट इज अ रियल इंक्रीज इन द लिक्विड वॉल्यूम, तो इसको लिखा डेल्टा वी आर, इट्स अ रियल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। फिर वॉल्यूम पी आर क्या है, इट इज अपरेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो इसको लिखा डेल्टा वी अपरेंट। और वॉल्यूम पी क्यू क्या है, इट इज अ रियल, इट इज अ एक्सपेंशन ऑफ वेसल, मतलब इट इज अ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द वेसल। फिर मैंने दोनों साइड वी डेल्टा टी से डिवाइड किया, वेयर वी इज द ओरिजिनल वॉल्यूम जो सबका सेम होगा, और डेल्टा टी भी राइज इन टेम्परेचर सेम फॉर बोथ लिक्विड एंड वेसल का डेल्टा टी और वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, नाउ दिस इज डिवाइडिंग वी डेल्टा टी ऑन बोथ द साइड। नाउ ये जो रेशियो है दिस इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ गामा आर, फिर ये जो रेशियो है दिस इज डेफिनेशन ऑफ गामा ए, और ये जो रेशियो है दिस इज डेफिनेशन ऑफ गामा वी। तो वी कैन से गामा आर इक्वल्स टू गामा ए प्लस गामा वी, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन प्लस एक्सपेंशन ऑफ वेसल। इन प्लेस ऑफ गामा वी वी कैन एट गामा जी ऑल्सो, बिकॉज वेसल जो है वो नॉर्मली ग्लास का बनता है। ठीक है, तो गामा आर इक्वल टू गामा ए प्लस गामा वी, या वी कैन से गामा आर इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी, वेसल का मतलब ग्लास। ओके, तो ये तो क्या रिलेशन बिटवीन थ्री कोएफिशिएंट्स। अगर मुझे फाइंड करना है अपरेंट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिलेटिव टू वेसल, का मतलब अपरेंट चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है, वेसल का अपरेंट चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है, तो आई वांट टू फाइंड डेल्टा वी अपरेंट। डेल्टा वी अपरेंट का मतलब इस अपरेंट चेंज इन वॉल्यूम, तो अपरेंट चेंज इन वॉल्यूम इज वी गामा अपरेंट इनटू डेल्टा टी। आई गॉट दिस रिलेशन यूजिंग डेफिनेशन ऑफ गामा अपरेंट, तो डेल्टा वी अपरेंट इज वी गामा अपरेंट इनटू डेल्टा टी। पर गामा अपरेंट इज गामा रियल माइनस गामा वेसल, इसको यहां पे ट्रांसफर करो, तो गामा अपरेंट को मैंने क्या लिखा, गामा आर माइनस गामा वी। ठीक है, ये रियल एक्सपेंशन है और ये वेसल का एक्सपेंशन है। उसके आगे मैंने लिखा गामा वी को 3 अल्फा, बिकॉज वेसल का गामा इज 3 times ऑफ उसका अल्फा, अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो डेल्टा वी अपरेंट अगर हमको फाइंड करना है उसका फॉर्मूला होगा वी इंटू ब्रैकेट गामा आर माइनस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी, यहां पे डेल्टा टी क्या है, राइज इन टेम्परेचर। तो दिस इज डिस्कशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड।